हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कैसे होता है उसको आज हम वीडियो लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो तुमको मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन के बारे में बताया था, हाँ कि नहीं? तो उसमें तुमने ये देखा था कि एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक किया जाता है यूरेनियम के न्यूक्लियस से, तो क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है, बेरियम एंड क्रिप्टन में ब्रेकडाउन होता है, उससे तीन फिर से नए न्यूट्रॉन निकलते हैं, वो न्यूट्रॉन जाके फर्दर स्ट्राइक करते हैं दूसरे न्यूक्लियस के साथ यूरेनियम के, और ये प्रोसेस में बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है। तो वही जो प्रोसेस है वो प्रोसेस पूरा एक चैम्बर के अंदर होता है। ठीक है, इसी चैम्बर को हम न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। इस चैम्बर के अंदर वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तुमको पता है बहुत सारा हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो इस चैम्बर का टेम्परेचर बहुत ही हाई रहता है। तब क्या करते हैं ना, इसके सराउंडिंग्स में कूलेंट को सर्कुलेट कर दिया जाता है। कूलेंट मान लेते हैं कि हमने पानी को यूज किया है एज ए कूलेंट, तो उसका पाथ देखो कैसे फ्लो करेगा। वो ये जो देख रहे हो, ये पूरा जो चैम्बर देख रहे हो ना, ये जो पूरा स्क्वायर देख रहे हो, ये पूरा एक चैम्बर है जिसके अंदर तुम्हारा न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और इसके बाहर में जो तुम देख रहे हो सराउंडिंग में, ये पूरा तुम्हारा कूलेंट फ्लो करता है। कूलेंट मतलब जो कि ठंडा कर सकता है। ठीक है, इस सिस्टम को ठंडा करने के लिए हमने कूलेंट का यूज किया है। तो इसके सराउंडिंग में देख सकते हो, यहाँ पे सॉलिड लाइन, डैश्ड सॉलिड लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया है कि कौन से पाथ से मेरा कूलेंट का फ्लो होगा। तो यहाँ पे मेरा कूलेंट ऐसे करके फ्लो हो रहा है, पूरा ऐसे सराउंडिंग में ऐसे फ्लो होगा, फिर ऐसे ऊपर से होते हुए यहाँ से होते हुए फिर से एंटर करेगा। तो ये जो पाथ देख रहे हो ना पूरा, ये पूरा सराउंडिंग से ऐसे हीट को कलेक्ट करते हुए ऐसे जाएगा और फिर से एंटर करेगा। ये पूरा मेरा पाथ हो गया किसका, कूलेंट का। ठीक है, इस पाथ में मेरा कूलेंट फ्लो कर रहा है, तो वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है चैम्बर के साथ, लेकिन यहाँ पे जो भी हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा बिटवीन कूलेंट एंड दिस चैम्बर। इस चैम्बर में जितना भी हीट प्रोड्यूस हुआ होगा वो क्या होगा, कूलेंट में ट्रांसफर कर गया होगा, क्योंकि वो उसके सराउंडिंग में फ्लो कर रहा है। तो ऑब्वियसली जैसे ही ये सिस्टम गर्म होगा तो उसके सराउंडिंग में जो भी कूलेंट होगा वो भी गर्म हो जाएगा, तो कूलेंट गर्म हो जाएगा, वाटर जो होगा वो गर्म होगा। ठीक है, तो ये जो गर्म वाटर है वो यहाँ से होते हुए फ्लो करेगा। तो जब ये पाइप से फ्लो करेगा, ये एक दूसरा चैम्बर है, इस चैम्बर को हम बोलते हैं बॉयलर। इस चैम्बर में पानी है, देखो ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है वाटर को। तो ये जो वाटर है वो नॉर्मल टेम्परेचर में था, लेकिन जैसे ये पाइप में से तुम्हारा कूलेंट फ्लो करेगा, तो कूलेंट का जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो लिक्विड होगा वो गर्म हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, क्योंकि उसके सराउंडिंग में तुम्हारा पानी है, तो इसमें जितना भी हीट होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा ये वाले लिक्विड में, और ये ठंडा पड़ जाएगा। और ये ठंडा पड़ते हुए आएगा, तो यहाँ पे हमने एक पंप लगा दिया है सो देट ये पानी फिर से एंटर करेगा, और यहाँ से फिर से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा उससे फिर से गर्म होते हुए फिर आएगा यहाँ पे, तो ये फिर से गर्म वाटर यहाँ से एंटर करेगा, मतलब गर्म कूलेंट यहाँ से एंटर करेगा, और ये जो चैम्बर में पानी होगा उसके कॉन्टैक्ट में आके वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। देखो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है, लेकिन ये जो पाइप में तुम्हारा फ्लो करेगा, तो इससे क्या होगा कि ये पाइप को तो टच कर रहे होंगे ना, ये जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो तो टच कर रहे होंगे, तो उससे उनको हीट मिल जाएगा, वो गर्म होकर क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन स्टेट में आ जाएंगे, तो वो वेपर में कन्वर्टेड हो जाएंगे, तो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो जब स्टीम में कन्वर्ट होंगे, वो स्टीम को हमने ऊपर जाने के लिए एक रास्ता दे दिया, ऐसे करके वो स्टीम ऊपर से होते हुए जाएगा और एक चैम्बर में एंटर करेगा, जिस चैम्बर में तुम्हारा टर्बाइन होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लेड्स ऑफ ए टर्बाइन, टर्बाइन के ब्लेड्स है। ठीक है, मान लेते हैं ये एक टर्बाइन का ब्लेड है, तो जब ये स्टीम आके इसमें स्ट्राइक करेगा तो ब्लेड क्या होगा, रोटेट करने को ट्राई करेगा, तो यहाँ पे तीन तो ब्लेड है, ये स्टीम हाई वेलोसिटी से जब ये चैम्बर में एंटर करेंगे तो स्ट्राइक करेंगे किसमें, ब्लेड्स में स्ट्राइक करेंगे, किसके ब्लेड्स में स्ट्राइक करेंगे, टर्बाइन के ब्लेड्स में स्ट्राइक करेंगे। तो जैसे ही टर्बाइन के ब्लेड में स्ट्राइक करेंगे, टर्बाइन स्टार्ट्स टू रोटेट। ओके, तो टर्बाइन अगर रोटेट करेगा तो उसका शाफ्ट भी जो होगा वो भी रोटेट करेगा कि नहीं। अब हमारा जो टर्बाइन है उसका शाफ्ट रोटेट कर रहा है, अब हम क्या करेंगे कि एक एसी जनरेटर लेके आएंगे और उसका जो शाफ्ट होगा उसको कपल्ड कर देंगे किसके साथ, हमारे जो टर्बाइन है उसका शाफ्ट के साथ हम कपल्ड कर देंगे एसी जनरेटर के शाफ्ट को।
तो अब क्या होगा, एसी जनरेटर का जो शाफ्ट होगा वो भी ऐसे करके रोटेट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ये रोटेशन क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो हाई प्रेशर में स्टीम एंटर करेगा वो स्ट्राइक करेगा ब्लेड्स में। किसके ब्लेड में स्ट्राइक करेगा? टर्बाइन के ब्लेड में। तो जब ब्लेड्स रोटेट करना स्टार्ट करेंगे तो ब्लेड से अटैच्ड जो शाफ्ट होगा, शाफ्ट का मतलब एक बड़ा सा रॉड है ऐसे सोच लो, ठीक है, रॉड्स है और यहाँ पे ब्लेड्स लगे हैं। तो जैसे ही ब्लेड्स में तुम्हारा स्टीम स्ट्राइक करेगा, ब्लेड्स रोटेट करेंगे, उससे क्या होगा, तुम्हारा जो शाफ्ट होगा या तो रॉड है वो भी रोटेट करेगा। और ये जो शाफ्ट है दैट इज कपल्ड टू द शाफ्ट ऑफ एसी जनरेटर। ओके, तो एसी जनरेटर का जो शाफ्ट होगा वो भी रोटेट करेगा, उसमें भी एक रॉड होगा वो भी रोटेट करना स्टार्ट करेगा। अब होता क्या है ना, एसी जनरेटर में जो रॉड होता है, मतलब जो शाफ्ट होता है, उसमें एक कॉइल होता है, जिस कॉइल को हम बोलते हैं आर्मेचर कॉइल। अब ये कॉइल भी रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। अब जो कॉइल रोटेट कर रहा होगा तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड करता है, मतलब ऊपर में उसका नॉर्थ पोल होगा और नीचे में साउथ पोल होगा, तो मैग्नेटिक लाइंस जो होंगे वो नॉर्थ और साउथ तो मूव कर रहे होंगे। अब ये जो कॉइल है, ये कॉइल रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो जब ये कॉइल रोटेट कर रहा होगा, कभी ये मैक्सिमम फ्लक्स को लिंक करेगा तो कभी ये मिनिमम फ्लक्स को लिंक करेगा। ठीक है, रोटेशन के टाइम ये वेराइंग नेचर ऑफ फ्लक्स को लिंक करेगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आएगा जिससे कि ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब जब कॉइल तुम्हारा रोटेट कर रहा होगा उस टाइम तुम्हारा क्या होगा कि कभी तुम्हारा मैक्सिमम फ्लक्स का जो लाइंस है वो कॉइल से लिंक करेंगे और कभी तुम्हारा मिनिमम फ्लक्स का लाइंस लिंक करेंगे। इससे क्या होगा, रेट ऑफ चेंज आएगा या तो चेंजेस आएगा फ्लक्स लिंकेज में। फ्लक्स हमेशा कॉन्स्टेंट रेट में लिंक नहीं कर रहा है, हमेशा वेरिंग फ्लक्स लिंक करेगा कॉइल जो है, तो इससे क्या होगा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा कॉइल में। और अगर ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो हमारा काम बन गया, हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल गया, है कि नहीं। तो ये प्रोसेस होता है कि कैसे तुम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन उठता है, सर यहाँ पे क्या ऐसे ऐसे तुम्हारा जो रेक्टेंगुलर शेप में दिखाया है, ये जो रेक्टेंगुलर शेप में देख रहे हो ना, ये तुम्हारे फ्यूल्स के रॉड हैं, फ्यूल रॉड। यहाँ पे कौन से फ्यूल रॉड का यूज किया गया है? यूरेनियम ऑक्साइड के रॉड्स का यूज किया गया है, यूरेनियम का ही यूज किया गया है, यूरेनियम 235 का। ठीक है, तो ये जो रॉड्स हैं इसके लिए यूज किया गया है। अब तुमको यहाँ पे चैम्बर के अंदर डॉट डॉट दिख रहे हैं, ये सारे क्या होते हैं, ये इनको हम बोलते हैं मॉडरेटर का काम मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो तुम्हारा न्यूट्रॉन निकलता है ना फिजन रिएक्शन में, वो बहुत ही फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन होता है, इसके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रहता है। कितना काइनेटिक एनर्जी? 2 MeV जितना काइनेटिक एनर्जी रहता है। तो उससे क्या होगा कि जो न्यूट्रॉन है अगर इतना एनर्जी लेके आगे बढ़ेगा और वो जाके स्ट्राइक करेगा दूसरे न्यूक्लियस से यूरेनियम के, तो फिजन रिएक्शन कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, क्योंकि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जाके अगर स्ट्राइक करेगा तो वो डिस्टर्ब नहीं करेगा तुम्हारा न्यूक्लियस को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, उसका जो स्पीड है या तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी, उसको हम रिड्यूस करने के लिए मॉडरेटर का यूज करते हैं। और मॉडरेटर वाटर भी यूज हो सकता है, एज ए वाटर मॉडरेटर के हिसाब से वाटर को भी हम यूज कर सकते हैं, और हैवी वाटर को भी यूज किया जा सकता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भी यूज किया जा सकता है, ग्राफाइट्स को भी यूज किया जा सकता है पाउडर के फॉर्म में, तो बहुत सारे मॉडरेटर यूज किया जाता है। लेकिन हम ये जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम वाटर को एज ए मॉडरेटर ट्रीट किया है। ठीक है, तो मॉडरेटर का काम क्या होगा कि जो न्यूट्रॉन निकलेगा रिएक्शन के टाइम में उस न्यूट्रॉन के स्पीड को कम करने में काम देगा। ठीक है, उसको स्पीड का जो है उसको रिड्यूस कर देगा। अब तुम क्वेश्चन उठाओगे कि सर यहाँ पे भी कुछ रॉड्स हमको दिख रहे हैं, ये पतले पतले रॉड्स क्या होते हैं? ये हमारे कंट्रोल रॉड्स होते हैं, कंट्रोल रॉड के बारे में बताया था, एग्जाम्पल दिया था स्टील। तब ये रॉड क्या काम करते हैं, देखो जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो तुमको पता है कि रिएक्शन में तुम्हारा न्यूट्रॉन रिलीज होता है, मान लेते हैं यहाँ से 300 न्यूट्रॉन रिलीज हुआ है, तो लेकिन अगर तुम रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर नहीं करोगे वो बहुत सारा एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा एनर्जी का प्रोडक्शन, उससे क्या होगा कि तुम उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, सारा कुछ जो है वो मेल्ट डाउन हो जाएगा। तो अगर तुमको कंट्रोल्ड वे में एनर्जी का प्रोडक्शन करना है, मतलब कंट्रोल्ड वे में हीट एनर्जी का प्रोडक्शन करना है, तो उसमें तुमको क्या करना है कि सारे न्यूट्रॉन में से सिर्फ एक ही न्यूट्रॉन को आगे बढ़ने देना है, बाकी न्यूट्रॉन को ब्लॉक कर देना है। सो दैट क्या होगा कि तुम्हारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो मेंटेन रहेगा, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को कांस्टेंट रखने के लिए हम क्या करते हैं,
जितने भी न्यूट्रॉन तुम्हारे निकलते हैं, एक बार तुम्हारा जब न्यूट्रॉन मारते हो उसके बाद जानते हो 3 न्यूट्रॉन निकला है, तो उनमें से हम सारों को न्यूक्लियर फिजन के लिए अलाउ नहीं करते हैं, सिर्फ एक को आगे बढ़ने देते हैं। तो ये जो कंट्रोल रॉड्स होते हैं ना, ऐसे कंट्रोल रॉड्स हैं, ये जो 1, 2, 3 रॉड्स देख रहे हो, इनको इंसर्ट किया जाता है इन बिटवीन द फ्यूल रॉड। तो जब ये न्यूट्रॉन यहाँ से रिलीज होंगे, वो न्यूट्रॉन्स में से कुछ न्यूट्रॉन को ये रॉड्स जो है क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक कर देंगे मतलब तुमको पता है कि कंट्रोल रॉड का एक खासियत होता है कि वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे ये न्यूट्रॉन इसमें स्ट्राइक करेगा वो आगे बढ़ नहीं पाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन हम सारे न्यूट्रॉन्स को ब्लॉक नहीं कर रहे हैं, सारे को ब्लॉक कर देंगे तो रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो एक न्यूट्रॉन को छोड़े आगे बढ़ने के लिए, वो न्यूट्रॉन जाके स्ट्राइक करेगा तुम्हारा फ्यूल रॉड से, तो फिर से तुम्हारा क्या होगा, फिजन रिएक्शन होगा, तो फिर से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे उससे। तो उन तीनों में से फिर से हम क्या करेंगे, 2 को ब्लॉक कर देंगे। 2 को ब्लॉक कर दिए, 1 को जाने दिए, 2 को ब्लॉक कर दिए, 1 को जाने दिए, वो जाके फिर से आगे फ्यूल रॉड से स्ट्राइक करेगा, उनमें से फिर से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, उनमें से 2 को हमने इससे ब्लॉक कर दिए, और ये एक जाएगी इसमें स्ट्राइक करके न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होगा। तो इससे क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन हमारा इंक्रीजिंग वे में नहीं होगा, कॉन्स्टेंट वे में होगा। इससे क्या होगा कि हम कंट्रोल्ड वे में हीट एनर्जी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, उससे हम कंट्रोल्ड वे में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने कंट्रोल रॉड को यूज किया है। ये जो कंट्रोल रॉड्स होते हैं इनको हम ऊपर नीचे करके न्यूट्रॉन्स के नंबर को कम या तो ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब कितने न्यूट्रॉन्स तुम्हारे पार्टिसिपेट करेंगे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में, वो डिसाइड करेगा ये तुम्हारे फ्यूल रॉड्स के पोजिशन। मतलब अगर तुम्हारे फ्यूल रॉड सारे नीचे में है तो मतलब तुम रेट ऑफ रिएक्शन होने नहीं देना चाहते हो, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन होना है तो थोड़ा ऊपर कर दिए, और थोड़ा फास्टर रेट में रेट ऑफ रिएक्शन को करना है तो और थोड़ा ऊपर कर दिए, बहुत ही फास्टर रेट में करना है तो पूरा ही ऊपर कर दिए कंट्रोल रॉड्स को, सारे को रॉड्स को ऊपर कर दिए। तो अभी रेट ऑफ रिएक्शन बहुत जल्दी से होगा, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, पानी भी बहुत जल्दी से गर्म होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जिसमें क्या होता है कि एक चैम्बर में तुम रेडियो मतलब तुम्हारा फ्यूल रॉड्स को रखा जाता है, और वो फ्यूल रॉड से निकले न्यूट्रॉन्स को अगर तुमको कंट्रोल करना है उनके स्पीड को, उसके लिए तुमको मॉडरेटर का जरूरत पड़ता है। और ये कंट्रोल रॉड्स का काम क्या होता है, ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने में काम आते हैं, सो दैट रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा। रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्स्टेंट रहेगा तो मतलब समझ में आ रहा है ना, हम हर टाइम एक ही न्यूट्रॉन को आगे बढ़ने दे रहे हैं टू परफॉर्म न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाइड फॉर्म में एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होके कॉन्स्टेंट रेट में एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, सो दैट हम उसको कंट्रोल्ड वे में इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये कंट्रोल नहीं करते सारे न्यूट्रॉन्स को, मतलब कंट्रोल रॉड के हेल्प से कंट्रोल नहीं करते, तो इतना ही प्रोड्यूस होता है, ये सारा सिस्टम जो होता है वो मेल्ट डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल रॉड्स को यूज करके सारे न्यूट्रॉन्स को अलाउ नहीं करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ फिजन रिएक्शन में, मतलब न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ एक न्यूट्रॉन को ही अलाउ किया जाता है आगे बढ़ के फिजन रिएक्शन को कंटिन्यू करें, सो दैट हमारा जो हीट का प्रोडक्शन होगा वो कॉन्स्टेंट रेट में होगा, ठीक है। और सो दैट हम जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी करेंगे वो कॉन्स्टेंट रेट में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे एक चैम्बर के अंदर तुम्हारा हीट का प्रोडक्शन हो रहा है। हीट का प्रोडक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो रहा है, वो जो हीट का प्रोडक्शन हो रहा है इसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है उस हीट को हम एक कूलेंट के हेल्प से एब्जॉर्ब करा दे रहे हैं। मतलब कूलेंट जो है वो सर्कुलेट कर रहा है उसके सराउंडिंग में, एक चैम्बर के अंदर बहुत सारा हीट प्रोड्यूस हो गया और हमने क्या किया उस चैम्बर के साइड में या तो सराउंडिंग में कूलेंट सर्कुलेट करा दिया। तो जैसे ही कूलेंट सर्कुलेट करेगा उसके साइड में, कूलेंट क्या करेगा, जो चैम्बर का हीट होगा वो खुद में लेके खुद गर्म हो जाएगा, तो ऑब्वियसली चैम्बर का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाएगा, है कि नहीं। तो इससे क्या होगा कि चैम्बर का टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं करेगा, वो एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है, ये चैम्बर का जो टेम्परेचर रहेगा। कूलेंट गर्म हो जाएगा, कूलेंट क्यों गर्म हो रहा है, क्योंकि चैम्बर के सराउंडिंग में इसको सर्कुलेट किया जा रहा है, वो कॉन्टैक्ट में आ रहा है सराउंड मतलब तुम्हारा ये चैम्बर के, इसीलिए क्या हो रहा है ये जो इसका हीट है वो इसमें जा रहा है, ठीक है। मतलब कूलेंट जब सर्कुलेट कर रहा होगा वो सराउंडिंग में सर्कुलेट कर रहा है इस चैम्बर के, तो चैम्बर के अंदर बहुत सारा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो हीट जो है वो कूलेंट को भी गर्म कर देगा क्योंकि वो उसके सराउंडिंग में, तो हीट का ट्रांसफर हो गया, ठीक है कि नहीं। चैम्बर से हीट ट्रांसफर हो गया कूलेंट के पास, तो चैम्बर का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो गया होगा। अब ये जो कूलेंट है वो गर्म हो गया है, तो अभी जो गर्म वाला कूलेंट है जो कि मैंने यहाँ पर सॉलिड डैश लाइन से ड्रॉ किया है कि कूलेंट किस पाथ में फ्लो करेगा, वो इस पाथ में फ्लो कर रहा है, ठीक है।
मतलब मान लेते हैं कि मैंने एक चींटी छोड़ दिया है इस साइड में, यहाँ पे एक चींटी है, ठीक है, तो ये चींटी कैसे मूव करेगा? देखो यहाँ से छोड़ो, यहाँ पे एक चींटी है तो वो ऐसे मूव करेगा, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से ऊपर से भी जा सकता है, ठीक है। अगर यहाँ से आया है तो ऐसे करके जाएगा, अगर यहाँ से आया ऐसे करके आएगा, तो इस पाथ में तुम्हारा वो जो चींटी होगा वो मूव करता रहेगा। इसी पाथ में तुम्हारा कूलेंट फ्लो हो रहा है, इसी को बताने के लिए मैंने चींटी का एग्जांपल दिया है, ठीक है। कौन से पाथ में मेरा कूलेंट फ्लो कर रहा है? तो कूलेंट मेरा इस पाथ में फ्लो करेगा जब ये कूलेंट इस चैम्बर में एंटर करेगा। ये जो एक स्पेशल चैम्बर है ना, इसको हम बॉयलर चैम्बर बोलते हैं, इसके अंदर वाटर रखा होता है। तो ये जैसे ही ये फ्लो करेगा, इस चैम्बर में जो वाटर होगा वो भी इसका प्रेजेंस को फील करेंगे, क्योंकि वो भी गर्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो करंट कूलेंट फ्लो कर रहा है।